न्यूज चैनल देखते हैं तो न्यूज चैनल मतलब न्यूज आप कैसी किस बेस में देखना पसंद करते हैं, किस तरह की देखना पसंद करते हैं? अभी तो जैसे 2000 की नोट बंद हुई है, आपको जानकारी है उसके बारे में? विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि अब फिर से एक बार मंदी लेके आएंगे, मोदी की बुराई कर रहे हैं। केजरीवाल का सोच है ज्यादा पढ़ा लिखा है और क्या है, मोदी है, मोदी को आप सपोर्ट करते हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश में अभी तो बड़ा कंफ्यूजन वाला नाम है वर्तमान में, और शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तब का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश एकदम अलग है। पहले के 10 साल अच्छा काम किया, उसके बाद का अभी कुछ समझ में नहीं आया ना। बजट कर्जे में है बहुत, हमेशा कर्जा ले रहे हैं यहाँ वहाँ से। डायरेक्ट पेमेंट वाला सिस्टम चालू हुआ है, उससे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं न्यूज चैनल्स में कि न्यूज चैनल बिके होते हैं जो सत्ता पक्ष का है, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। तो लोगों को समझ के ऊपर है, फिर क्या होता है सामने वाला जिस तरह का मतलब बातचीत करेगा उस हिसाब से आपको समझने लगता है कि गोदी मीडिया है कि इस तरह का। तो आप मतलब जैसे न्यूज चैनल देखते हैं तो न्यूज चैनल मतलब न्यूज आप कैसी किस बेस में देखना पसंद करते हैं, किस तरह की देखना पसंद करते हैं, या जो आ गया स्क्रीन में दिख गया वो देख लीजिए? एनडीए वाली देखते हैं, एनडीए की जो होती है। अभी तो जैसे 2000 की नोट बंद हुई है, आपको जानकारी है उसके बारे में? क्या कहेंगे उसके बारे में, वो सरकार का एक अच्छा निर्णय है? 2 साल से नहीं देखा, 2 साल से वो नोट ही नहीं देखा तो क्या मतलब। जनरली जैसे विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि अब फिर से एक बार मंदी लेके आएंगे, मोदी की बुराई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वो बंद करने से, क्योंकि इतने 500 के नोट तो बहुत चली रहे ना, आप पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, को कोई दिक्कत। फिर क्यों आवाज उठा रही है विपक्ष? विपक्ष का काम है, करना है, हमने करना। केजरीवाल ने कहा देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ गंवार इसीलिए नहीं होना चाहिए, देखो एक बार इन लोगों ने नोट को चालू किया, बंद कर रहे हैं। केजरीवाल का सोच है ज्यादा पढ़ा लिखा है और क्या है। तो जनरली आप किस नेता को सपोर्ट करते हैं अगर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में बात की जाए? मोदी है, मोदी को आप सपोर्ट करते हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में अभी तो बड़ा कंफ्यूजन वाला है नाम है, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? इसलिए इधर कोई काम है ऐसा समझ में नहीं आ रहा। शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वर्तमान में, और शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तब का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश एकदम अलग है। पहले के 10 साल अच्छा काम किया, उसके बाद का अभी कुछ समझ में नहीं आया ना, उसके बाद को समझ में नहीं आया। यही मेरा भी पर्सनली यही मेरा भी मानना है कि शिवराज सिंह चौहान ने शुरू में बहुत अच्छा काम किया होंगे लेकिन वो दिखे नहीं, मतलब अब स्पीड जो विकास की रफ्तार है वो स्लो हो गई है, स्लो हो गई है, स्टेट कर्जे में है बहुत, हमेशा कर्जा ले रहे हैं यहाँ वहाँ से, तो वो भी सब करना चाहिए ना क्लियर। उसको जैसा यूपी इतना पिछड़ा था लेकिन उसको कितना उठा लिया। तो कर्जा लेने की वजह क्या है और क्या इतना कर्ज लेना चाहिए और किस चीज के लिए ले रहे हैं? स्टेट चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए तो ले ही रहे कर्जा ना। तो अभी जैसे मान लीजिए कई स्टेट रन और अपना मतलब सेंटर लेवल्स के लेवल की कई स्कीम्स हैं जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, आप गांव वगैरह जाते हैं? भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, सब मेरे को नहीं समझ में आता। आप गांव जाते हैं क्या? तो डायरेक्ट आजकल जब से डायरेक्ट पेमेंट वाला सिस्टम चालू हुआ है उससे भ्रष्टाचार का तो आपका मतलब ये कहना है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है अभी? कहाँ हो रहा है? नहीं, कम हो रहा है। डायरेक्ट